नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। साथियों, आपके बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर एग्जाम रद्द होगा, एग्जाम रद्द होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट बड़ा रिस्ट्रिक्टेड कमेंट आए हैं कि एग्जाम अगर रद्द नहीं होगा तो मामले कोर्ट जाएंगे, अगर सरकार को कराना है तो एग्जाम रद्द करे और नया विज्ञापन निकाले, इस बारे में आ रहे हैं। बाकी आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में तो इस पर तो ऑलरेडी वीडियो हमने कल बनाया था और डाला भी है, तो आज दोनों को संक्षेप में डिस्कशन कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए 60 में कोशिश करेंगे। देखिए, पहले बात है एग्जाम जो रद्द होने की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम रद्द नहीं होगा, ये पुरानी विज्ञापन शर्तों के अधीन ही एग्जाम कराया जाएगा। बस ये है कि नए आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों का चयन हो जाए, उसके पश्चात आगे आपका चुनाव है और चुनाव के बाद जून जुलाई की तरफ ये एग्जाम कराया जाएगा, इसमें आप माइंड में बना लीजिए। लेकिन एग्जाम रद्द नहीं होगा, एग्जाम पुरानी शर्तों के अधीन ही होगा, अर्थात एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्जाम पैटर्न भी चेंज नहीं होगा, जो इसमें 90% लिखे और 10% इंटरव्यू किया। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, ये अभी भी माइंड में डाले, पीजीटी में इंटरव्यू है वो रहेगा, लेकिन वो पुराने शर्तों के अधीन ही रहेगा, ठीक। अर्थात आपको 425 नंबर का पीजीटी में पेपर्स आएंगे और आपका टीजीटी का 500 नंबर के 125 क्वेश्चन आएंगे, ये इसमें कतई कन्फ्यूजन में न रहिए। और टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं है, ये बना कि पुराना पैटर्न जो एग्जाम का है वही इस में विज्ञापन में रहेगा, अगर चेंज ये कर देते हैं तो मामला कोर्ट को जाएगा, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये पुरानी विज्ञापन और पुरानी शर्तों के अधीन ही ये परीक्षा कराई जाएगी, नया ही आयोग कराएगा और ये विज्ञापन रद्द होने की कतई संभावना नहीं है, ये समझ लीजिए आप। चलिए ठीक, यही आपका प्रश्न बहुत मार, और एक कुछ साथियों की बात थी एज लिमिट से संबंधित, तो एज लिमिट बता दूं, नए विज्ञापन में नए जो आएगा उसमें एज लिमिट की कोई बात ऐसा नियम नहीं दिया हुआ है इस नियमावली में भी, तो हमको लगता है कि अध्यापकों के लिए एज लिमिट मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, ये तो जानते हैं। और कोई अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए। चलिए साथियों, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाहे तो मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।